हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी तलवा एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे भाई की शादी, क्योंकि मेरे भाई की है शादी और सारे इवेंट्स, सारे जो रस्म रिवाज होते हैं वो मैं कवर नहीं कर पाई, बट आज मैं आपको लेकर के आई हूँ शादी वाले दिन पे। तो शादी वाले दिन में हल्दी होती है, फिर उसके बाद तैयार शार हो जाओ शादी के लिए जाकर के, फिर सहराबंदी होती है क्योंकि भाई की शादी है, लड़के की साइड की शादी है और हम पंजाबी हैं, तो सहराबंदी वगैरह सब होता है। फिर हम बारात लेकर के जाते हैं शादी की लोकेशन पर, वहाँ पर शादी वादी के सारे रस्म रिवाज होते हैं। तो आज ये सब का सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा देना जो उसके साथ में हो, और सारे के सारे अपने सारे दोस्तों को कर दो ये वीडियो शेयर, जिनको भी शादी करवानी है आपको, जिनको भी बताना है कि भाई ये तेरे साथ होने वाला है या ये तेरे साथ होने वाला है, उनको भेज दें ये वीडियो। तो और एक और बात, आज तक मैं आपको सारी इवेंट्स, मैं जहाँ इवेंट करने जाती हूँ वह बहुत से वेडिंग होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, तो मैं वेडिंग में इवेंट जो करने जाती हूँ वो दिखाती हूँ, बट आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनसाइड स्टोरी कि एक्चुअली क्या क्या, जो शादी का घर होता है उसमें क्या क्या एक्चुअली होता है, पंजाबियों की शादी में एक्चुअली क्या क्या होता है। सो लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक रस्म होती है जिसमें पैर में एक धागा और कुछ बांधा जाता है, उस पर कुछ कुछ होता है, वो पता नहीं मुझे क्या होता है, बट वो जब दुल्हन आती है शादी करके तो वो उसे अपने एक ही हाथ से उसे खोलना होता है। और यहाँ हमारे मामियाँ वगैरह इतने ज़्यादा कंसर्नड है कि दे आर सेइंग कि भाई ज़्यादा गांठ तेज़ से मत बांधना, बिल्कुल हल्का हल्का बांधा जिससे कि वो आराम से खोल पाए, क्योंकि उसने बहुत सारा नेल आर्ट कराया हुआ है और नेल आर्ट करा के गांठ को खोलना एक हाथ से बहुत डिफिकल्ट होगा। सो या और यहाँ मेरे भाई को बोला जा रहा है स्पेशली कि अपना झूठा लड्डू अपने हाथों से मुझे खिलाओ, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, और ऐसा कहते हैं कि जिनकी शादी होती है उनके हाथों से लड्डू खाने से शादी आपकी अगली होती है, जल्दी शादी होती है। अगेन ऐसा कहते हैं कि दूल्हे के शरीर की हल्दी थोड़ी सी अगर आपके चेहरे पे लग जाए तो भी आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। ओ माय गॉड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज मिसकंसेप्शंस और व्हाटएवर दीज आर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So guys,
यार ये कितनी औसम है यार। और अब सारी घर के रस्में हो चुकी है और हम जा रहे हैं। हमारा दूल्हा घोड़े पर बैठ चुका है, हमने घोड़े को खिला भी दिया है, चना वगैरह वो सब खिलाया जाता है, बहनें खिलाती हैं। और फिर अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि सबसे पहले घोड़े पर बैठ कर के दूल्हा मंदिर की ओर जाता है, मंदिर में जाके आशीर्वाद लेता है और उसके बाद बारात निकलती है। फिर हम गाड़ियों में अब निकलेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे लोकेशन पर जहाँ से बारात एक्चुअली शुरू होगी। सो गाइज, हम लोग पार्लर में जब तैयार हो रहे थे तो मम्मी के हम दोनों के पीछे में ना चेन है पूरी के पूरे, तो मम्मी के पीछे की चेन खराब हो गई, तो वो पास में गई किसी टेलर के पास ठीक कराने, बट वहाँ पर भी मुझे लग रहा है ढंग से ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हम बारात लेकर के जा रहे थे और मम्मी की चेन दोबारा से खुल रही है। लेट मी शो यू, आओ दिखाओ ना चेन, पीछे मुड़ो, आगे जा, पीछे दिखाओ। अरे So guys, अब हम हमारी बारात जहाँ से निकल रही थी वहीं पे पास में एक टेलर की दुकान हमें मिली है, वहाँ से कुछ जुगाड़ करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसे सिलाई करवा के उसे बंद करवा रहे हैं जिससे कि वो बिल्कुल भी ना खुले। सो दीज आर सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यू नो, जो आई थिंक सभी को फेस करनी पड़ती, हर लड़की को एक्चुअली फेस करनी पड़ती कभी ना कभी। मैं एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे दुल्हन जो थी उसका साइड से पूरा का पूरा ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी खुल रहा था यहाँ से कुछ कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि हर शादी में किसी ना किसी इंसान के साथ, किसी लड़की के साथ की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती होगी, तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले चेक कर लिया करो। वैसे हम लोगों ने तो दो दिन पहले ही चेक किया था, फिर भी जो होना होता है वो होकर रहता है, कुछ नहीं कर सकते।